आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क पहनकर आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे। मास्क इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। हमने एक कैंपेन मास्क पहनो इंडिया की शुरुआत की है। मास्क पहनकर आप सुरक्षित रह सकते हैं और प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। देश में मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उन आदेशों पर कोई पालन नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के समय कहा कि जो प्रवासी मजदूर पिछले साल अपने गाँव चले गए थे और जो शहर में वापस आ गए हैं, उनके लिए रोजगार या खाने पीने का साधन होना चाहिए। प्रवासी मजदूरों की दशा और उनके लिए लाभकारी योजनाओं पर राज्य सरकारों को एक हफ्ते में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों पर आज शाम 4 बजे आदेश पारित करेगी। तो आज शाम 4 बजे आदेश पारित होगा प्रवासी मजदूरों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। और देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जो राज्यों का इसको लेकर के रुख है प्रवासी मजदूरों को लेकर के, वो बेहद परेशान करने वाला है। और जो प्रवासी मजदूर है उनके खाने पीने की रहने की व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और आज शाम 4 बजे आदेश पारित करेगी। एहतिशाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। एहतिशाम, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर, और क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले का, जब खबरें आई थी कि प्रवासी मजदूर जो हैं उनकी हालत बहुत खराब है, चाहे वो रास्ते में हो या अपने गांव पहुंच गए हो, उनके पास रोजगार नहीं है। तो इस मामले में पिछले कई महीनों से सुनवाई नहीं हुई थी और अब जब दोबारा उसी तरह के हालात बने हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कहा कि हालात बहुत अच्छे नहीं हुए हैं और सरकारों ने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। हालांकि कुछ सरकारी स्कीम है जो बना दिए गए हैं, लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडिकेट किया कि वो 6 से 7 राज्यों को निर्देश देंगे, जिसमें जो नाम अब तक लिया गया है वो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, इन सब राज्यों का है जहां पर प्रवासी मजदूरों की ज्यादा दिक्कत है। तो इनको कोई निर्देश दिया जाएगा। एग्जैक्टली क्या निर्देश होगा वो शाम 4 बजे तक साफ हो पाएगा, लेकिन कोर्ट ने यही कहा है कि कम से कम दिल्ली NCR में कम्युनिटी किचन बनाए जाए, जहां पे लोगों को खाना ढंग से दिया जाए, जो मजदूर जिनको काम नहीं मिल रहा है लॉकडाउन के वजह से, और जो लोग जा चुके हैं अपने गांव में तो उनके लिए भी जो स्कीम है उसको लागू किया जाए। सरकारों ने अब तक क्या किया है इसका जवाब मांगा जाएगा, लेकिन विस्तृत जो निर्देश है वो शाम 4 बजे तक ही साफ हो पाएगा। जी ठीक है एहतिशाम। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के झंडेवालान मंदिर को लोगों के दर्शन के लिए भले ही बंद कर दिया गया हो, लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से सेवा का काम लगातार जारी है। मंदिर के बाहर काढ़े का इंतजाम किया गया है। मंदिर के पास से जो भी जाता है उसे काढ़ा दिया जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर की तरफ से 3 आइसोलेशन सेंटर भी, कोरोना मरीजों के लिए खाना भी पहुँचाया जा रहा है। झंडेवालान मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कोरोना के मद्देनजर मंदिर भले ही बंद हो लेकिन मंदिर से सेवाएं बंद नहीं हो रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहां पर काढ़े का प्रसाद जो है उसको दिया जा रहा है। यहां बाहर ये इंतजाम किया गया है जहां पर सेवादार जो तमाम लोग आसपास के यहां से गुजरते हैं उनको काढ़ा दे रहे हैं ताकि इम्यूनिटी उनकी बढ़ी रहे। यहीं पर ये काढ़ा तैयार होता है। क्या सोच थी इसके पीछे और कितना आप लोग इसे तैयार करते हैं? देखिए, मंदिर लगातार हम अपनी सामाजिक कुछ दायित्वों का निर्वाह हम करते रहते हैं, इसलिए कोविड के दौरान भी हमने लगभग 18 लाख भोजन के पैकेट बनाकर जो जरूरतमंदों को बांटे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भोजनालय हैं वहाँ की, जहाँ पर खाना पैक किया जा रहा है। यहाँ से ये खाना जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए जाता है और पौष्टिक आहार देने की पूरी कोशिश यहाँ पर होती है। देखिए, इस समय हम 3 स्थानों पर खाना भेज रहे हैं। एक सेवा भारती द्वारा संचालित आइसोलेशन सेंटर जो है ये उदासीन आश्रम में है, वहाँ जाता है। एक बालकराम अस्पताल में जाता है और एक दक्षिण दिल्ली के एक आइसोलेशन सेंटर में। यहाँ से 3 स्थानों पर हम ये तीनों समय का भोजन और ये भेज रहे हैं। तो क्या क्या आप लोग वैरायटी रखते हैं भोजन में? भोजन की जो
हमारे डॉक्टरों द्वारा और डाइटिशियन द्वारा जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं उसके हिसाब से हमने मेन्यू बना दिया है। बिहार में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। छपरा में सामान की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ऐसा लग रहा था कि लोगों में कोरोना का कोई खौफ ही नहीं है। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क पहनना जरूरी समझा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। तो ये बिहार के छपरा की तस्वीरें आप देखिए कि लॉकडाउन के बावजूद वहां पर कोरोना नियमों का कैसे उल्लंघन हो रहा है। लोग बड़ी तादाद में बाजार पहुंचे और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कई लोगों ने तो यहां पर मास्क भी नहीं लगाया था। तो जो नियम है उसको लेकर के लोग बिल्कुल भी नियमों को लेकर के जागरूक नहीं है और जो लोगों की सोच है वो भी सामने आती है, क्योंकि सरेआम यहाँ पर कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है और जन भागीदारी बहुत जरूरी है इस महामारी से लड़ने में। जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान नहीं देगा तब तक इस महामारी से नहीं जीत पाएंगे। पटना से बड़ी खबर